नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। सुख, लग्जरी, पैसा, धन दौलत, चमक धमक के कारक ग्रह शुक्र 11 अगस्त 2021 को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपसे कि अगर शुक्र अच्छे हैं तो जीवन में सुख अच्छे हैं। शुक्र का कमजोर होना सुखों की कमी लेकर आता है, वैवाहिक जीवन में कमी लेकर आता है शुक्र का कमजोर होना। कामकाजी दुनिया में भी आपको वो शोहरत, वो लग्जरी नहीं मिल पाती है अगर शुक्र कमजोर हो तो। हर सफलता के पीछे कहते हैं कि शुक्र का हाथ होता है, और आपने कहावत सुनी होगी कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो शुक्र भी एक महिला ग्रह है। मां लक्ष्मी इनकी आराध्य है शुक्र ग्रह की, तो समझ लीजिए कि आपके पीछे भी सफलता का हाथ हमेशा शुक्र का ही होता है। तो शुक्र को मजबूत करके हर एक इंसान को चलना चाहिए। 11 अगस्त को शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में चले जाएंगे, यहां से कुछ राशियों को अच्छा, कुछ को थोड़ा सा खराब रिजल्ट देंगे। शुक्र के पास सप्तम दृष्टि होती है, वो जहां बैठते हैं वहां से सप्तम भाव को देखते हैं। शुक्र का प्रभाव यानी नीच शुक्र का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ेगा, इस गोचर में उसके क्या रिजल्ट होने वाले हैं आपकी राशि के ऊपर, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। यह जानकारी नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित होगी। शुक्र 11 अगस्त से 6 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे, यानी अपनी नीच राशि में रहेंगे। शुक्र को लक्ष्मी जी का कारक माना गया है। शुक्र बढ़िया तो सब बढ़िया। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए क्या बढ़िया है, क्या खराब है। मैं शुभारंभ करूं आपकी राशि का, उससे पहले मैं आपको बता दूं वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा आपको। इसके साथ साथ कुछ बातें और भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि अगर शुक्र खराब हो तो हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए, या आपकी राशि वालों को कौन सा रत्न पहनना अच्छा रहेगा। आप उस रत्न को पहनकर भी बहुत अच्छे फायदे ले पाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत है तो आपके लिए परिणामों में शुभता ज्यादा हो सकती है। अगर जन्म कुंडली में भी शुक्र किसी भी प्रकार से नीच के हैं या पीड़ित अवस्था में है तो फिर आपको विशेष उपाय करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आइए शुभारंभ करते हैं। तो आपकी राशि के बारे में जानते हैं शुक्र का क्या हाल है और शुक्र का आपके प्रति क्या ख्याल है। हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की। शुक्र आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे और शुक्र पंचम और बारहवें भाव के स्वामी हैं। चौथे घर में बैठा हुआ कोई भी ग्रह बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी आ ही जाती है। चौथा घर माता के सुख का है, परिवार के सुख का है, बहुत सारी चीजों का है। तो परिवार वालों के बीच में तनाव पैदा होने की वजह से परिवार वालों के बीच में दूरी पैदा हो सकती है, या कहें दिलों की दूरियां हो सकती हैं। घर के अंदर सब लोग अलग थलग हो सकते हैं, तुम अपना करो मैं अपना करूं, तुम मुझसे नहीं बोलो मैं तुमसे नहीं बोलूं, लेकिन एक मजे की बात यह होगी ये दूरियां घर के भीतर होंगी, लेकिन घर में कोई मेहमान आ जाए या कहीं जाना पड़ जाए तो सब लोग साथ होंगे। किसी बाहरी को आप ये चीजें नहीं दिखाएंगे कि हमारे घर में कोई तनाव चल रहा है, इसलिए लोग आपको सुखी समझेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होगी। तो दिलों की दूरियां हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा उनको दिखेगा। प्रेम संबंध में प्यार होगा, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रहेगी। कहते हैं ना कि वो मजा नहीं आया जो आना चाहिए, कुछ ना कुछ कमी रह ही गई। आप सामने वाले का दिल खुश करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करेंगे, बहुत सारा पैसा भी लगाएंगे सामने वाले को खुश करने के लिए, गिफ्ट देंगे, बहुत सारा वक्त लगाएंगे, फिर भी आपको वो रिस्पांस नहीं मिलेगा जिसकी आप उम्मीद करके बैठे थे। आपकी इच्छाएं, सुख सुविधाएं और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। काश कुछ और ज्यादा हो जाता, कुछ और मिल जाता, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इस पे कंट्रोल करिएगा। जो मिल रहा है उसमें संतुष्टि नहीं होगी।
आप प्रेम विवाह करने की सोच रहे हैं तो 26 तारीख तक रुकना आपके लिए बढ़िया होगा। अपने प्रेम विवाह को दुनिया के सामने लाने के लिए थोड़ा वक्त रुक के चले तो बढ़िया होगा। कोई नया वाहन या कोई बड़ा खर्चा या कोई मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार पुनः कर लें, 26 तारीख तक रुकें तो और बेहतर होगा। भौतिक व राशिक सुखों की लालच में धन खर्च बढ़ता चला जाएगा। ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, फला भी ले लूँ, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। ये वक्त बहकावे का है, ये वक्त आपको बहका देगा, आपके अंदर लालच पैदा कर देगा और आप सोच विचार ना करके जल्दबाजी में अपने धन की हानि कर बैठेंगे। शेयर मार्केट में धन लाभ होने के योग हैं लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस लिया और फायदा हो रहा, दिमाग लगाएंगे, थोड़ा वक्त देंगे तो फायदा हो जाएगा। शेयर मार्केट में आपका दिमाग तेज होगा इसलिए भविष्य में होने वाली घटनाओं को वक्त से पहले ही आप समझ जाएंगे और आप 26 तारीख तक थोड़ा संभल के रहें। उसके बाद ये जो शुक्र का नीचत्व है ये समाप्त हो जाएगा क्योंकि बुध आ जाएंगे अपनी उच्च राशि में। आप लोगों की सहायता भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की सहायता ना करें, कोई मदद मांगने आएगा उसी मदद करेंगे। आप नौकरी या व्यापार में बड़ा बदलाव पाएंगे, आप लोगों की मदद प्राप्त भी करेंगे, आप दूसरे की सहायता करेंगे तो लोग आपकी भी सहायता करेंगे जरूरत पड़ने पर। आप नौकरी में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो यहां पर आपको लाभ हो सकता है। आप तैयारी करिए, आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं और इंटरव्यू की सीट पर बैठे हैं तो अपने अनुभवों के आधार पर बात करिएगा, अपनी शिक्षा अपने अनुभवों को सामने रखिएगा अपने एचआर के सामने या जिसको भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपके सामने कॉम्प्रोमाइज की स्थिति नहीं रहेगी और आप एक अच्छी नौकरी और एक अच्छा पैकेज दोनों पालेंगे। तो आपको लड़खड़ाना नहीं है, अब आपका का जो एक्सपीरियंस है, आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रखना है। यहाँ पर विजय प्राप्त होगी, आपकी करियर अच्छा हो जाएगा, बड़ा व्यापार करने में आप कामयाब होंगे, बड़े व्यापारी बन जाएंगे, बड़ी अच्छी कमाई हो जाएगी और सेट हो जाएगा कामयाबी के मामले में नौकरी और व्यापार में आपका करियर। अब आपको दिल फेक आशिक नहीं बनना है, राह चलते लड़के या लड़कियों पर कोई कमेंट पास नहीं कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर कोई ऐसे कमेंट नहीं पास करने हैं जिससे आप विवादों में आए। विवाहित हैं अगर शादी हो गई है तो पत्नी और मां के बीच में झगड़े पड़ सकते हैं। वाहन चलाते वक्त बेहद सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, नशे से बचना होगा। अपनी पत्नी की तरक्की होता देख आपको खुशी होगी, पत्नी की सेहत का भी ध्यान रखने की पूर्ण कोशिश करिएगा और खुद के लिए भी जो जरूरी दवाएं हैं उसको लेते रहिएगा। व्यायाम करिए, योग करिए, इन सब का सहारा लेंगे तो और अच्छा वक्त बीतेगा। शुक्र संबंधी काम जैसे होटल का व्यापार और टूर एंड ट्रेवलर का व्यापार या कोई रेस्टोरेंट जिनके हैं उनका व्यापार या फैशन संबंधी व्यापार, कॉस्मेटिक संबंधी व्यापार, ये सब जो स्किन से संबंधित व्यापार जैसे चेहरे को गोरा करने की क्रीमें आती हैं, लोशंस आते हैं, ये सब जो भी चीजें हैं इन सब में एक अच्छा मुनाफा आपको होने वाला है। आप एक बहुत अच्छे मुनाफे की तरफ आगे बढ़ेंगे और होटल संबंधी इंडस्ट्रीज में आप आगे बढ़ेंगे। शुक्र का नीच राशि में होना आपको मानसिक टेंशन जरूर देगा बीच बीच में। आप काम करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये काम नहीं बनेगा, थोड़ी टेंशन हो जाएगी लेकिन वो काम सिद्ध हो जाएगा। व्यापार में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होने वाली है मिथुन राशि वालों के लिए। आप औरों के लिए कंजूस होंगे, आप औरों के लिए पैसा शायद खर्च ना करें लेकिन खुद पर पैसा जरूर खर्च करेंगे अपनी शान शौकत को बढ़ाने के लिए, परिवार की शान शौकत बढ़ाने के लिए। कोई आपसे पैसा मांगे तो शायद आप मना कर दें लेकिन अपने ऊपर हजारों रुपए लाखों रुपए भी खर्च कर सकते हैं। मीठी मीठी बातों में माहिर होंगे, मीठी मीठी बातें करके काम करवा लेंगे। अपने जमा धन को भोग विलास में खर्च ना करने की योजना बनाएं, जो है उसी में एक बढ़िया जीवन जिए। जो आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको ना छेड़ें इस समय में तो बेहतर होगा। 26 के बाद संतान प्राप्ति की इच्छा आप कर सकते हैं। माता पिता का प्यार एक साथ आपको नहीं मिलेगा, कभी मां से दोस्ती तो पिता से अनबन, कभी इसका उल्टा।
अवैध संबंध अवैध रिश्तों में आपको बिल्कुल नहीं जाना है मिथुन राशि वालों को। तो मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र चौथे भाव में बैठकर बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तनाव और थोड़ी सी टेंशन, तो इन चिंता की लकीरों को दूर करने के लिए आपको वासना विलासिता और बुरी संगति से दूर रहना है। शनि की ढैया चल रही है तो फैसले सोच समझ कर लेने हैं। आपकी शादी हो गई है तो अपनी पत्नी का सम्मान करना है और पत्नियों को पति का सम्मान करना है। रिश्तों में विश्वासघात ना हो तो और बेहतर हो जाएगा, और सब्र से काम लेना है। और किसी की जो तरक्की है उसको देखकर जलना नहीं है, बल्कि उससे आगे निकलने की योजनाएं बनानी है, तो आपके लिए और बेहतर रहेगा। परिवार में तनाव पैदा करेंगे तो ये तलखियां जो दो दिलों की हैं वो बढ़ तो जरूर जाएंगी, भले वो दुनिया के सामने ना आए, लेकिन आपको तो पता है ना कि स्थिति क्या है। स्त्रियों का सम्मान शुक्र को अच्छा करने का सबसे अच्छा रास्ता होता है, आप ये कर लीजिए, बढ़िया हो जाएगा। मंदिर वगैरह जाइए, नमस्कार करिए ईश्वर को, धर्म स्थान में जाकर नमस्कार करिए, और बेहतर हो जाएगा। ये एक अंगूठी है, इसको बोलते हैं डायमंड, ये अमेरिकन डायमंड है जो चांदी में बड़ा हुआ है। इसको पहनने से भी शुक्र आपको विशेष लाभ दे सकते हैं। डी लिखकर व्हाट्सएप करिए, डी खाली डी लिखना है, व्हाट्सएप करना है। 2250 रुपए की चांदी में मड़ी हुई अंगूठी आपके घर भेज दी जाएगी और आप इसको पहनकर अति उत्तम समय का आनंद आज भी और आने वाले वक्त में भी ले सकते हैं। बाकी जीवन में कोई समस्या है, परेशानी है, आप संपर्क करें। और शुक्र की स्थिति अगर कुंडली में बहुत खराब है तो फिर आपको अपनी कुंडली की जांच कराकर सही उपाय करने चाहिए, ताकि आपके जीवन में सुख सुविधाएं बनी रहें। नमस्कार।